किसी का पल्लू पकड़ करके चलते थे, जहां वो जूनियर पार्टनर थे, किसी दल ने उनको कुछ दे दिया मौका, ऐसे राज्यों में कांग्रेस जहां जूनियर पार्टनर थी उनका स्ट्राइक रेट 50% है, और कांग्रेस की 99 सीटों में से ज्यादातर सीटें उनके सहयोगों ने उनको जिताया है। और इसलिए मैं कहता हूं ये परजीवी कांग्रेस है। 16 राज्यों में जहां कांग्रेस अकेले लड़ी वहां उसका वोट शेयर इस चुनाव में गिर चुका है। आदरणीय सभापति जी, गुजरात, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, इन तीन राज्यों में जहां कांग्रेस अपने दम पर लड़ी और 64 में से 64 में से सिर्फ 2 सीट जीत पाई है, 64 में से 2। इसका साफ मतलब है कि इस चुनाव में कांग्रेस पूरी तरह परजीवी बन चुकी और अपने सहयोगी दलों के कंधे पर उन्होंने चढ़ करके ये सीटों का आंकड़ा बढ़ाया है। अगर कांग्रेस ने अपने सहयोगियों के जो वोट खाए हैं वो अगर न खाए होते तो लोकसभा में उनके लिए इतनी सीटें जीत पाना भी बहुत मुश्किल था। आदरणीय सभापति जी, ऐसे समय एक अवसर आया, देश ने विकास के रास्ते को चुना है, देश ने विकसित भारत के सपने को साकार करने का मन बना लिया है, तब भारत को एकजुट होकर समृद्धि का नया सफर तय करना है। ऐसे समय ये देश का दुर्भाग्य है कि हिंदुस्तान में 6-6 दशक तक राज करने वाली कांग्रेस पार्टी अराजकता फैलाने में जुटी हुई है। ये दक्षिण में जाकर उत्तर के लोगों के खिलाफ बोलते हैं, ये उत्तर में जाकर के पश्चिम के खिलाफ जहर उगलते हैं, पश्चिम के लोगों के खिलाफ बोलते हैं, महापुरुषों के खिलाफ बोलते हैं। इन्होंने भाषा के आधार पर बांटने की हर कोशिश की है। जिन नेताओं ने देश के हिस्से को भारत से अलग करने की वकालत की थी उनको संसद की टिकट देने तक का दुर्भाग्य हमें देखना पड़ा जो कांग्रेस पार्टी ने पाप किया। कांग्रेस पार्टी खुलेआम एक जाति को दूसरी जाति के खिलाफ लड़ाने के लिए रोज नई नए नैरेटिव गढ़ रही है, नए तय अफवाहें फैला रही है। आदरणीय सभापति जी, देश के एक हिस्से के लोगों को हीन बताने की प्रवृत्ति का भी
कांग्रेस के लोग बढ़ावा दे रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, कांग्रेस देश में आर्थिक अराजकता फैलाने की दिशा में भी सोची समझी चाल चल रही है। चुनाव के दौरान जो बातें की गई राज्यों में, उनके राज्यों में जिस प्रकार से आर्थिक कदम ये उठा रहे हैं, ये वो रास्ता आर्थिक अराजकता की तरफ देश को घसीटने वाला है। उनके राज्य देश पर आर्थिक बोझ बन जाए, ये खेल जानबूझ करके खेला जा रहा है। मंचों से साफ साफ घोषणा की गई, अगर इनके मन का परिणाम नहीं आया, 4 जून को देश में आग लगा दी जाएगी, लोग इकट्ठे होंगे, अराजकता फैलाएंगे, ये अधिकृत रूप से आह्वान किए गए। ये अराजकता फैलाना इनका मकसद है।